गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। गुमजो टीवी न्यूज में मैं हूँ थुंग नायोंग। और मैं हूँ किम गिदे। थुगो के सीईओ रियू शियो ने सिंथेटिक ड्रग CTA-4885 को इलीगली जैकेट में छुपाकर एक्सपोर्ट करने का अपराध किया है। हमने पुलिस और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से इस बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब तीसरी पीढ़ी के वियतनामीज ड्रग माफिया सेरेकिम ने मेथमफेटामिन से तहलका मचाया था, तब कोरियन पुलिस ने ही उन्हें ढूंढ कर उन पर लगाम कसी थी। अब सवाल ये है कि पुख्ता सबूत होने के बावजूद कोरियन ड्रग माफिया रियू शियो और उनके साथियों की जांच क्यों नहीं हो रही? थुगो के सीईओ रियू शियो ने CTA-4885 ड्रग का सच दुनिया से छिपाने के लिए गुमजू टीवी की सीईओ मिस हांग गुमजू को मारने की कोशिश की थी। उन्हें खत्म करने के लिए रियू शियो ने उन पर हॉस्पिटल में भी जानलेवा हमला करवाया। इतना ही नहीं, उनके ड्रग डीलर मिस्टर शिनगांगसू, जो पुलिस की हिरासत में थे, उनकी जेल में एक नकली वकील भेजकर हत्या करवा दी गई ताकि वो उनके खिलाफ कोई भी बयान ना दे सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। टेलीकास्ट रोक दो। मिस थुंग, पीछे कैबिन में आओ। यहां बैठ जाओ। मिस थुंग, कोई परेशानी है? मुझे बताओ क्यों परेशान हो। मैडम जी, रियूशियो ने मेरी छोटी बहन को चाइना में बंदी बनाकर रखा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी बहन को ड्रग्स के साथ पकड़वा देगा। क्या तुम उससे डरकर ये कहने वाली थी कि हमारी पिछली खबर झूठी थी? अगर मैं यही करना चाहती तो मैं ये बात आपको अभी भी नहीं बताती। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। टेलीकास्ट 1 घंटे बाद होगा। जेंटलमैन, मैं बोल रही हूँ, आपको मेरे लिए एक काम करना है, वो भी इसी वक्त। जिस पुलिस और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को इस ड्रग्स के मामले की तह तक जाना चाहिए था, उन्होंने ही इन माफिया को पूरे देश में पैर जमाने में मदद की। इस खबर से पूरा देश डरा हुआ है। सिंथेटिक ड्रग CTA-4885 पर रोक लगाने का सुनहरा मौका हमारे हाथों से छूट गया है। हालांकि देश के नागरिकों की भलाई के लिए आपकी गुमजू टीवी न्यूज अगले मौके के लिए सतर्क रहेगी। सभी का शुक्रिया। गुड इवनिंग। हेलो। शुक्रिया। भाई, तूने इसे घर क्यों बोला? ये तो पूरा राजमहल है, इसकी सफाई कैसे करते होंगे? हाँ, आपकी तारीफ। कौन है आप लोग? सर, हम उस दिन नाम सुन की माँ की पार्टी में मिले थे, आपको याद है? हाँ, काफी दिनों बाद मिले इंस्पेक्टर, और शायद आप भी इनकी तरह पुलिस वाले होंगे। जी, आप जी, 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 हाँ सर। क्या आप सब लोग कॉफी पीना पसंद करेंगे? हाँ, जरूर। हाँ, जी, हाँ, आइए फिर। माफ कीजिए, पर आप कौन हैं? आपकी दोस्त कंगनाम सुन जी की नानी।
होंग गुमजू जी की मम्मी जी का किल जुंगान जी का मैं बॉयफ्रेंड हूं। क्या? लेकिन हमें अभी होंग गुमजू मैडम ने यहां आने के लिए कहा था। वो फिलहाल किसी काम से बाहर गई है। और उनकी बेटी कांग नामसून वो भी घर पे नहीं है क्या? मेरे ख्याल से वो अभी छोटे भाई के साथ अपने पापा यानी होंग गुमजू के एक्स हस्बैंड को ढूंढने गई है। अच्छा, पर उसकी नानी तो अभी घर पर ही होगी है ना? मेरी जुंगान जी अभी अपने बेटे होंग गुमडोंग जी को पीठ पर बैठा के हॉस्पिटल ले गई है। वहां से घर ही आए थे कि फिर से बेहोश हो गए। मतलब आप कह रहे हैं कि इस घर में रहने वाला यहाँ कोई भी? अरे, वो ड्रग इन्वेस्टिगेशन वाले कहाँ चले गए? आप यहाँ हैं? नमस्ते। मैडम जी ने मुझे बोला कि मैं आप सबको अंडरग्राउंड तिजोरी दिखाऊं। तुम कौन हो? मैं मैनेजर हूँ मैडम जी की पॉन शॉप का। आप इस तरफ आइए। सर आप? क्या अजीब नमूने हैं, घर पे यहाँ कोई भी नहीं है फिर भी हमें बुला लिया। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। जी जरूर जरूर। सर आप कैफे जा रहे? हाँ आइए आइए, ये देखिए। वाह क्या जगह है। ये तो हमारे स्टेशन से लाख गुना बेहतर है। वाह ये क्या है? अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। और हाँ, अगर कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा पुलिस बनने का बड़ा ख्वाब था। हल्दी में अच्छा नमूना रखा है यार, उस तिजोरी पर क्या दरवाजा लगाया है। जी बोलिए। इसे तुम अपना ऑफिस ही समझो, ये जगह सबसे सुरक्षित जगह है। रियोशियो ने गोल्ड ब्लू के साथ गुमजू होटल पर भी रेड करवा दी। आप बुसान जाने के लिए कब निकलने वाली हैं? कल सुबह निकलूंगी, क्योंकि 30 लाख का शिपमेंट बुसान पोर्ट पर परसों पहुंचेगा। अच्छा, मैं दुआ करता हूं आपके इस मिशन में कोई दिक्कत ना आए। तुम कहां हो इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और नाम सुन को तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गया, लेकिन हमें यहाँ पर आपके पॉन शॉप का मैनेजर ही लेकर आया है। नाम गिल ना, उसकी फिक्र मत करो, वो दिन में मेरे लिए ऐसे सैकड़ों काम करता है तो उसे अभी याद भी नहीं होगा कि उसने ये काम किया है। जरूरी बात, आपको सबकी नजरों से छिपकर एकदम खुफिया काम करना है, समझ गए ना? जी, उसकी फिक्र मत कीजिए। ये तो पूरा कंट्रोल रूम बना दिया है। इस थोंगयुंग जोंग के हॉस्टल के बाहर ऑपलेंटिया के खास एजेंट तैनात किए हैं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अब मैं किसी से भी डरकर नहीं रहने वाली हूं। नहीं नहीं, फिलहाल शांत ही रहना। रियुशियो गुस्से में आग बबूला होकर अभी तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा, इसीलिए तुम बुसान वाले विला में रहो। पूरी तरह ठीक होने तक तुम वहीं रहो, मैं खुद तुम्हें वहां आकर मिलूंगी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन बोल रहा है? मैडम जी आपका बॉडीगार्ड बोल रहा हूँ, कांग बोंगो, मतलब आपके एक्स हस्बैंड अभी। अब उसे क्या हुआ है? तुम भी पानी पियो। वो सोच रहा होगा बॉडीगार्ड है तो उसे कोई खतरा नहीं होगा। फोन दो उसे। सर मैडम लाइन पर है। हाँ थैंक यू।
ओह बोलो क्या हो रहा है। मैंने कहा था नामिन के साथ घर में छुप कर रहो। घर में आराम से पड़े रहना इतना मुश्किल है क्या? बाहर सबकी जान को खतरा है, इतनी सी बात भी नहीं समझते? इतनी रात को ये क्या नाटक है? अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? मैं अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन खतरा सर पर है और तुम्हें अभी ये सब करना है। देखो कल हमें बुसान जाना है, तो ये नाटक बंद करो और घर जाओ। बुसान? अचानक बुसान क्यों जाना है? हद है, रॉब तो ऐसे झाड़ती है जैसे कि मैं अभी भी इसका पति हूँ। अरे हक ही जताना था तो तलाक ही क्यों लिया? आप लोग जा सकते हैं। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। पर क्यों, तुझे क्या हुआ बेटा? थक गया। फिर से उठा लूं? सॉरी सर, गुमजू टीवी का रिपोर्टर ना। जानता हूं, मेरे पास जब मौका था तभी उसे मार देना चाहिए था। थुंग नायोंग और कांग नामसन को भी। अब समझ में आया कि पावेल अपने गद्दारों को इसलिए तुरंत मारता है ताकि दोबारा धोखा ना मिले। तुम जा सकते हो। हेलो, मैं तेजक हूँ। तुम हंसकर बात क्यों करती हो? तो क्या रो? गाओ बॉस चियो, ताकि सब समझे हमारी ये बात। काम करो, आगे बढ़ो। कोरियन लड़के अच्छे लगते हैं, शादी करनी है। मैं सब कुछ झटपट करती हूँ। मेमने का गोश्त, चाहे असली रोशनी हो या नकली हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम काम पूरी लगन से करते हैं या नहीं, वो मायने रखता है। मेरे साथ घूमने चलोगे? घूमने? ये भरोसा टूटने मत देना। ऐसा नहीं होगा शिव। इसे ये सब करने की क्या जरूरत है? सामान चुराने के लिए मैं माफी मांगती हूँ, पर वो सामान मुझे अपने माँ बाबा को मंगोलिया भेजना था। कैसे हैं आप शिव? मैं हूँ हंग कुंज। मैं हिलरी हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर, ये न्यूज रिपोर्टर्स आपसे मिलने की जिद पर अड़े हैं। उन सबको वेयर हाउस में बुला लो। क्या? उनसे कहो कि हम उनका फर्ज निभाने में पूरी मदद करेंगे, क्योंकि जर्नलिज्म का उसूल है कि उसमें हमेशा सच का साथ दिया जाता है। उनसे कहो उन्हें एक मिसाल देखने को मिलेगी। मेरे सामने रहेंगे तो इन्हें सुरक्षित रखना आसान होगा। मतलब तुम ही बताओ, इन मर्दों को अपने हाल पर छोड़ना सही रहेगा? ठीक है, साथ ले चलते हैं। यहाँ का काम इंस्पेक्टर कांगर उनकी टीम पर छोड़ देते हैं, वो संभाल लेंगे।
वहां जाकर हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे। वैसे भी तुम्हारे आने के बाद हम सब कहीं घूमने नहीं गए। ओके ठीक है, आधे घंटे में हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। क्या फ्लाइट से? ओह मजा आएगा, प्लेन क्रैश हुआ तो मैं संभाल लूंगी। प्लेन क्रैश? हम लोग कार से नहीं जा सकते क्या? नामिन बेटा, बिजनेस करने वालों के लिए वक्त बहुत कीमती होता है। टाइम इज गोल्ड। तुम भी एक कैफे के मालिक हो तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। आप सब दुबले पतले, इसलिए आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं प्लेन में बैठूंगा तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, मुझे ये डर है। वजन इतना है, लगता है प्लेन संभाल नहीं पाएगा। प्लेन वजन नहीं उठाएगा तो कार कैसे उठाएगी? कार जमीन पर चलती है और प्लेन उड़ता है। ये बात तो मैं भूल ही गया था। आप प्लेन में अकेले आ जाइए, फिर सब सही होगा। अकेले मतलब प्लेन मैं उड़ाऊंगा क्या? और सामान वो कौन उठाएगा? हाँ ये बात तो मैं भूल ही गया था। बकवास बंद। मैं नहीं आ रही, तुम लोग जाकर आओ। क्यों? क्या हुआ? मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। क्या आप कैफे वाले आदमी के लिए पापा को छोड़ने वाली है? सही समझे? पापा के साथ ऐसा क्यों कर रही है? तो वो 10 साल तक कहाँ गायब था? तो क्या इसीलिए अनजान आदमी के साथ? अनजान आदमी? वो पुलिस डिटेक्टिव है, वो भी खुफिया मिशन पर। डिटेक्टिव? मुझे लगा वो बरिश्ता है। मेरी बात कर रहा है। देखा ना, तेरे पापा को पटकने के बाद भी मेरी शक्ति नहीं गई। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मेरी शक्ति उसी वक्त चली गई होती। हमारी शक्ति का यही तो नियम है। इसका मतलब तुम्हारे पापा ने जरूर कुछ गलत किया है, समझे? देखा नहीं, जब वो मुंह खोलते हैं तो मुंह से सिर्फ झूठ ही निकलता है। अगर वो नामसुन को ढूंढने गए थे तो एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? तिब्बत गए तो क्या हुआ? क्या वहाँ पर फोन नहीं है? वो जगह पहाड़ों से घिरी हुई है, वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता। तुम बिल्कुल चुप रहो, एक शब्द मत बोलना, उसकी वकालत मत करो। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था। चुप रहो, मैं अच्छा सा वकील ढूंढकर डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ। माँ क्या? मैं आपको उस अनजान आदमी के साथ नहीं देखना चाहता, और तुम्हें भी साफ बोलना चाहिए। ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा दीदी। अरे अरे, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। अब तो तुम अपने पापा के साथ ही रहो, ठीक है? खुश हो? मुझे ट्रिप पर नहीं आना। तो मैं क्या करूँ? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो जाओ। मैं जाकर पापा का पूरा ख्याल रखूंगा। सुसु करके जान निकल गई है उनकी, वो मेरे पापा है। अरे, 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 अरे। मैं अपने पापा को चाहता हूँ जैसे आप उस अनजान को जान बना रही है। मेरा सर। समझ सकता हूँ मामा। हाँ बोलो। क्या रेड पड़ी है? सर्च एंड सीजर? ये अच्छा ही हुआ, वो जितनी गंदी चाल चलेंगे उतना ही लोगों की नजरों में गिरेंगे। उन्हें जो भी चाहिए सब दे दो। जी हाँ, समझ गया, बिल्कुल। सब जब करना है। जी सर। जी 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 मैडम जी, ऐसे ही होगा। नहीं, मैडम ने सब ले जाने के लिए कहा। गुमजू टीवी, गुमजू होटल, गुमजू हॉस्पिटल, सब आपको कोऑपरेट करेंगे। मैडम जी ने ऑर्डर ही ऐसे दिए। मैं सब पैक करवाता हूँ, तब तक आपके लिए खाना मंगवा लेता हूँ। खाना खाएंगे ना? हमारे होटल में तंदूरी गोश्त बहुत अच्छा मिलता है, थोड़ा स्पाइसी है, चलेगा ना? अरे सब ध्यान से सुनो, सब लोगों की मदद करो, सब अच्छे से पैक कर देना। जियोन ये भी रख दो। हाँ। उस नए न्यूज चैनल पर जो जैकेट दिखाया गया था वो बिल्कुल ऐसा ही था। इसे पानी में डालने से ड्रग बनता है ना? मिस्टर रियू, क्या आप हमें वो सारे जैकेट दिखाएंगे जो थुगो ने कुरियर किए थे? हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स को हमने जितने भी जैकेट्स भेजे थे वो वापस मंगवा लिए गए हैं कोर्ट में पेश करने के लिए। मैं ड्रग्स की स्मगलिंग बिल्कुल नहीं करता।
मेरे बारे में गुमजू टीवी की न्यूज सही है ऐसा किसी और न्यूज चैनल ने नहीं कहा। मिस्टर शिन गंगसू का कत्ल हो या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का इल्जाम, सबके सब बेबुनियाद है। फिर ये गुमजू टीवी वाले जो आपके खिलाफ खबरें दिखा रहे हैं उसकी वजह क्या है? मैं हंगुमजू का मकसद अच्छे से जानता हूँ। दरअसल उसने मेरी कंपनी थुगो को खरीदने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था जिसे मैंने ठुकरा दिया, इसलिए वो मुझे बदनाम कर रही है। हंगुमजू इस देश के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। प्लेन से हम जल्दी पहुंच जाते। माँ से झगड़ा नहीं करते तो वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाते। मम्मा, नानी को अकेले छोड़ना सही है? उन्हें साथ ले जाने से तो लाख गुना अच्छा ही है। लेकिन उन्हें किडनैप करने वालों ने फिर से हमला कर दिया तो? मजांग डोंग की लड़ाई के बाद कितने लोगों ने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की इसकी कोई गिनती ही नहीं है। टेंशन हो रही है। क्या हुआ? नानी की फिक्र हो रही है? फिक्र तो हो रही है पर पापा की। पापा की? इस बुढ़िया को छोड़ूंगा नहीं। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बोलो। जिक जिक, मैं बुसान जा रही हूँ, मेरा एक काम करोगे? वो वीडियो चलाओ। मुझे पता है मेरी वजह से तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये केस सुलझाना बहुत जरूरी है। मेरा भाई, मेरी माँ और मेरी नानी, मेरी पूरी फैमिली मौत के मुंह से लौटी है। और तो और, तुम्हारे सर ने भी इस केस की वजह से अपनी जान गंवा दी। चिक चिक, प्लीज हो सके तो इतना कर दो मेरे लिए, प्लीज। पता नहीं पुलिस ने मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया। सभी जानते हैं कि मैंने हंगुमजू को हॉस्पिटल में जाकर मारने की कोशिश की थी, तो फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? कहीं उन्हें मुझसे कोई खास जानकारी तो नहीं चाहिए? अब वो आपके पीछे क्यों पड़ेंगे? आपको इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि शियो सर के खिलाफ सबूत नहीं मिला। तुम 1 बिलियन लेकर भागने वाली थी तो वापस क्यों आई? तुम मेरे पास लौट कर आई क्यों? मुझे पता चल गया उस कैफे की मालकिन हंगुमजू है। आप क्या कह रही हैं? मुझे तो ये पता ही नहीं था। देखो, मुझे साफ साफ बताओ, आपको पहले सारे VIPs की लिस्ट भेज रही हूँ। क्या बात है? सर, सर, यून सर वो आज तत्सक आई है क्या? वो तो आपको पता होना चाहिए ना मिस्टर यांग। बात यह है कि सर वो मिस्टर यांग कह रहे थे उन्होंने तेत्सेक को किसी से फोन पर अजीब तरह से बात करते हुए देखा था। तेत्सेक मत कहो क्योंकि तेत्सेक ही कांगनम सुन है। क्या सर, हम हर चीज को बारीकी से जांच कर रहे हैं पर कोई नुक्स नहीं मिल रहा।
ईमानदारी से टैक्स भरने पर उन्हें 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। हमारे कमिश्नर अक्सर वहाँ विजिट भी करते हैं। उनका कोई काम गैर कानूनी नहीं है सर। आप समझाओ उसे इतना घमंड किस बात का है, छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। टीबीयू के डायरेक्टर चुंगदे चौल का आपके लिए कॉल आया है, कनेक्ट कर दूं? हाँ। मोनसोंग बोल रहा हूँ। आपके लिए काम करना फक्र की बात है। लेकिन इस काम में खतरा बहुत है। तुम मुजरिम साबित हो सकते हो, गिरफ्तार भी हो सकते हो, पुलिस पिटाई भी कर सकती है। बताओ क्या तुम अभी तैयार हो? हाँ बिल्कुल हूँ। देश के लिए जान भी दे सकता हूँ मैं। चलो चलते हैं। देशवासियों को इंसाफ दिलाने के लिए। केस नंबर 123 साल 2023 डिफेंडेंट मिस्टर हान जोंग से अब मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। फैसला यह है कि मिस्टर हान जोंग सिक को 3 साल के लिए। पापी कौन है? देखिए मिस्टर, यह अदालत है। कोरिया गणराज्य का नागरिक होने के नाते नशा मुक्त देश का खिताब मैं अपने देश को वापस दिलाना चाहता हूं। इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। हमारे कानून की कमान ऐसे जज के हाथ में है जो खुद गैर कानूनी ड्रग की दलील करता है। तो बताओ पापी कौन है? उस बैनर पर छपे इंसान से पूछो। ले जाओ उसे। छोड़ो मुझे। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मेरे पास ऐसे 12 बैनर और है। मैं हार नहीं मानने वाला। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रिपोर्टर जुंग बाहुन। हमारे साथ हैं कोरिया में चल रहे सबसे बड़े ड्रग केस के मुख्य जांचकर्ता सोल डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी चीफ प्रोसिक्यूटर मून सॉन्ग ऊ। चलिए अब उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। बिल्कुल आराम से। क्या वाकई ऐसा कोई ड्रग है जो शरीर में जाने के बाद किसी भी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता? क्या आप इस बारे में कोई जानकारी सही दे सकते हैं? कोई भी ड्रग हो, उसे लेने के बाद इंसान के शरीर में उसका अंश पता चली जाता है। किसी भी टेस्ट में डिटेक्ट ना हो, अब तक ऐसा कोई ड्रग नहीं बना, दावे से कह सकता हूं मैं। ये वजन कम करने की दवा असल में खतरनाक ड्रग निकली। उसकी पोस्टमार्टम में कोई ड्रग नहीं मिला, पर वो कह रहे थे कि मुझे एंटीडोट खरीदना होगा। पर मेरे पास वो खरीदने के पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो हमेशा रईस लोगों को ही टारगेट करते हैं क्योंकि वही लोग एंटीडोट खरीद सकते हैं। लेकिन इतना जानती हूँ कि इस एंटीडोट का बिजनेस पूरी तरह थूगो से कंट्रोल होता है। मेरे पास तो 100 लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन पूरी कोरिया में किम मैडम ने कितने एग्जीक्यूटिव को ये काम दिया है इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। मैडम जी, देखिए इंटरनेट पर तहलका मच चुका है। नाम सुन। अभी हमें वो 30 लाख की शिपमेंट के रूट का पता करना है। ये शिपमेंट लाने वाली शिपिंग कंपनी में मेरी अच्छी पहचान है क्योंकि तुम्हारी मम्मा बिजनेस वुमन जो है। मम्मा आप कितनी कूल हो। बिल्कुल। आ जाओ।
खूबसूरत है। That's it. मैंने ही उन्हें मना कर दिया। उनके दिल में दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने प्लेन में बैठने से मना किया है। ऊपर से तुमसे मिलने की खुशी में तो वो बेहोश ही हो जाते। हम उनसे वीडियो कॉल पर बात कर लेंगे। ये मेरी मम्मा है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये मेरे पापा है। नमस्ते। मेरा छोटा भाई नामिन। नमस्ते। और ये मेरे मामा है हंगुमदो। नमस्ते। आज पूरी फैमिली साथ है। हेलो, मेरा नाम बोंगो है। मैं हूँ नामसुन का पापा। नामसुन का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आराम से खाइए जी। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। जरूर। माँ। हाँ। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। कैसा दिखता है? हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। सच में? मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। उसके आने से रौनक आ जाती है। दिल का बहुत अच्छा है। आंखें बहुत प्यारी है ना। मतलब जल्दी मुझे नाती पोतियों से मिलवाओगी? अच्छा नाम सुनाओ तो आओ। इस वक्त कांगनम सुन कहां पर है, कुछ पता चला? दरअसल वो न्यूज़ आने के बाद से ही वो कहीं गायब हो गई है। शायद फोन में जीपीएस जैमर लगाया है। ऐसा लगता है वो सोल में है ही नहीं। मैं उन सबको मार दूंगा। अच्छा डांस करती हो। गुड। शुक्रिया। इस खाने के लिए शुक्रिया। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बेटा। चिक चिक फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सब अभी जेल में है। पुलिस को भी जेल में डाल देते? तो अंदर आने के बाद ऐसा लगता है। अरे मुझे बाइबल या बुद्धिज्म की किताब दे दो, थोड़ा ज्ञान ही बढ़ा दो। कम से कम हमें ताश तो दे दो, हाँ टाइम पास हो जाएगा। या मेरा फोन ही दे दो, मैं आपको बता देता हूँ कि घर पे खाने के लिए नहीं आने वाला। रुको, यहीं से निकलता हूँ। नामगिल किसी तरह वहां से बच निकला है और वो अभी मेरे कांगनंग विला में जाकर ऐश कर रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर कांग मेरी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट दूल्हा है। मुझे टेंशन हो रही है, ठीक तो होगा ना चिक चिक? चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा।
तुम्हारी माँ जोलजाया को बुसान देखना था तो जाओ उन्हें थोड़ा घुमा लाओ, तब तक मैं कुछ काम निपटाती हूँ। बहुत अच्छी हो मामा। मिसांग, मैंने शिप के कप्तान को सब कुछ समझा दिया है, प्रोडक्ट का वीडियो शूट भी कर लिया है। वो उसे सोल भेजने से पहले एक दिन के लिए बुसान के फिश हैचरी में रखते हैं। और इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है? शिपमेंट तकरीबन 2 टन का होता है। मुझे उस फिश हैचरी का एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद वहाँ जाऊंगी। शुक्रिया। मिस्टर ब्रेड, हम घूम चू आप? तो बताइए आप यहाँ बुसान में क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे मैं तो बुसान का ही हूँ। क्या तुम तो वॉल स्ट्रीट पर काम करते थे ना? वो सब अफवाह है। क्या यकीन नहीं होता तो अब तुम मान रहे हो कि तुम एक फ्रॉड हो? अच्छा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम असल में हो कौन। मैं तुमसे 30 बार तो पूछ चुकी हूँ, बता दे क्यों नहीं तुम्हारा असली नाम क्या है। एक्चुअली मैं एक अनाथ हूँ, मेरा जन्म यहीं बुसान में हुआ। बचपन में मैं एक फिशिंग बोट से रशिया चला गया। फिशिंग बोट से रशिया गए? हाँ, एंचोवी फिशिंग बोट थी। 14 का हुआ तो अनाथ आश्रम ने निकाल दिया, 18 से पहले ही मजदूरी शुरू कर दी। सच तो यह कि मैं कभी अमेरिका गया भी नहीं हूँ। ओह, अब मैं समझी। रशिया में मैं सुबह शाम चोकोपाए ही खाता था। उस वक्त रशिया में चोकोपाए नए नए आए थे और रशियन लोग चोकोपाए के दीवाने हो गए थे, तो मैंने उन्हें बेचना शुरू कर दिया। एंचोवी बोट चोकोपाए बोट बन गई। मैंने सारा ध्यान पैसे कमाने पर लगा दिया। उस वक्त हर कोई मुझे चोको सॉन्ग बुलाता। बस करो। लेकिन वो फोटो, उस फोटो के बारे में बताओ, वो तुमने फाड़ क्यों दी? रियुशियो के साथ तुम्हारी फोटो क्यों थी? वो फोटो, वो मेरा बुरा अतीत दिखाती है। चोको पाए लाने वाली बोट असल में फिशिंग बोट थी, मैं स्मगलिंग कर रहा था। स्मगलिंग चोको पाई की? फिर एक दिन मुझे रशियन पुलिस ने पकड़ लिया। हुआ ये कि उस दिन चोको पाए बच गए थे और मैं उन्हें सड़क पर बेच रहा था, कजान, उफा, ओम्स पर, मॉस्को में। तभी वो फोटो ली गई। चोको पाए, जब वो फोटो ली गई तब मैं एक मामूली ठेले वाला था। जब आपने वो फोटो मेरे सामने रखी तो अचानक चोको सॉन्ग की यादें ताजा हो गई। मुझे जोर का झटका लगा और गुस्सा आ गया। तुम रियुशियो को नहीं जानते? कौन है ये? मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना। पता नहीं क्यों आप बार बार उसका नाम लेती रहती है। तुम बुसान में क्या कर रहे हो? जब कभी दिल का बोझ बढ़ जाता है तो मैं यहां पर आ जाता हूं। बुसान की ये मदहोश हवा भुला देंगी तुम्हारे सारे गम। अब बस करो। बुसान की मदहोश हवा भुला देंगी तुम्हारे सारे। बस करो ब्रेड। बुसान की मदहोश हवा। अरे अब चुप भी हो जाओ। वाओ पापा, मम्मा ने बोला था ना कि विला के बाहर मत जाना। अरे फिर बुसान आने का फायदा ही क्या हुआ, समंदर भी देखना चाहिए। मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी। वो तो यही है। मेरे होठों पर लगी क्रीम अपने रसीले होठों से पोंछ दीजिए। एक मिनट रुको, इन्हें लिपस्टिक लगाकर और रसीला बना देती हूँ ताकि तुम्हें और मजा आए। अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। आओ मेरे करीब आओ गुमचू बेबी। तुम्हारी ओर खींची चली आ रही।
तुम्हारे साथ यहाँ सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। मैं जा रही हूँ। वैसे मैं रशिया में कुछ खास लोगों को जानता हूं जो आपकी काफी मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना हम मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाएं। तो बताइए क्या मदद चाहिए? माँ चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ, 1 2 3 स्माइल, लाफ लाफ लाफ, लाटे 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 समंदर समंदर रहते हैं फाइन स्टे फाइन बहुत अच्छा है। बुसान में गुकबाग बहुत फेमस है, जैसे हमारे यहाँ बांतान। आपको खाना है? वहाँ बैठकर खाते हैं। मुझे समंदर बहुत पसंद है, पर मंगोलिया में है ही नहीं ना। माँ मुझे पकड़ के दिखाओ। दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। तुम मुझे धोखा देकर खुश है बेहया? क्या मैं बेहया? इसकी तो मिसेस किल, अगर आप इन्हें मारेंगी तो कोर्ट में मामला बिगड़ सकता है। मामला पहले ही बिगड़ चुका है। इसने मुझे बहुत मारा है और इसे बच्चन बनाने में जिसका हाथ है उसने तो मेरा जबड़ा ही तोड़ दिया। देखो। देखा, इसलिए मैंने ये वकील बुलाया है। तुम भी अपने लिए वकील रख लो, उसका सारा खर्चा मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ ना। केस लड़ना चाहती हूँ, वो तेरा आशिक है ना, उस पर तो देखना मैं केस ठोकूंगा। मिस्टर गुकजॉन्ग, माफ कीजिए मगर अगर आप अनाप शनाप कहेंगे तो कोर्ट में आप ही को नुकसान होगा। क्या बोला? एडल्ट्री कोई अपराध नहीं, कोर्ट 7 साल पहले कह चुका है। और आप ये खुद ही कहकर साबित कर रहे हैं कि आप कई साल अपनी फैमिली से दूर रहे। तो ये जो कर रही वो सही है? कानून की नजरों में ये जुर्म है। कानून के हिसाब से अब ये जुर्म नहीं रहा। यानी तुझे वकील किसने बनाया? कुछ भी बोले जा रहे हो, पति को धोखा देना जुर्म कैसे नहीं हुआ? मेरी भोली बीवी को फंसाने के लिए उस कमीने को सजा मिलनी चाहिए। उन्हें कमीना बोलना बंद करो। ठीक है, इसे हम शराफत से सुलझाते हैं, इसलिए तुम भी जरा शराफत से पेश आओ। ठीक है? लेकिन प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है ना, तो अपने प्यार को ऐसे कैसे जाने दूँ? अरे प्यार कब का खत्म हो चुका है? 10 साल पहले जब मुझे छोड़कर गए थे तब तुम्हारा प्यार कहाँ मर गया था? क्योंकि मैं तब तिब्बत में था। अच्छा, जान। उस वक्त तुम जवान और जोशीले थे, तब तो मेरी जरूरत महसूस नहीं हुई। और अब जब तुम बूढ़े और बीमार हो गए हो तो यहाँ आ गए क्योंकि मुझसे अच्छा और मजबूत सहारा कोई नहीं दे सकता, है ना? चलो निकलो यहाँ से और वापस मत आना। नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपनी आखिरी सांस तक तुम मेरे साथ रहोगी। अरे वाह, रुकिए मैम, रुक जाइए, रुक जाइए, शांति से रुकिए, रुकिए, शांति से, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांति, शांति। म्यूंगी तेरी तो निकल पड़ी, थोबड़ा तो देख, खुश लग रही है। मेरा सारा खर्चा मेरी माँ उठा रही है, इसलिए मैं कॉलेज चाहती हूँ। मैं एक्सकेवेटर बनना चाहती हूँ ताकि मैं नौकरी करके खुद के पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। माँ, कांग नामसुन की माँ को अपनी माँ कह रही हो? मैं अब नफरत और धोखे की जिंदगी हमेशा के लिए छोड़कर इज्जत की रोटी खाने वाली हूँ। तुम भी ये सब छोड़ना चाहो तो
मैं मदद जरूर करूंगी। आज बहुत अच्छा लगा। कहाँ जा रहे हो? बस घर ही जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। सखी कंगलम सुने सर। जज हांग के स्टेटमेंट के मुताबिक रियू शियो और हेरिटेज क्लब से जुड़ने की वजह से आप पर तहकीकात होने वाली है। इस मामले की चर्चा आज हर कोई कर रहा है, तो इसे टाल नहीं सकते सर। फैसला कोर्ट में ही होगा। मिस्टर सो, एक बुढ़िया हमारे बॉस को कैसे मार सकती है? ये किसी बुढ़िया का काम नहीं हो सकता, तो बता मुझे ये किसने किया? मिस्टर सो, चुंगा जी मुझे बचाइए। इन्हें हाथ लगाने की जरूरत किसने की? सामने आओ। वेलकम सर। उन्होंने बहुत मारा ना?
सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। मत कहिए। ये सब मेरी गलती है। जुंगा जी, अगर आप मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं तो ये सब झेलने की आदत डाल लीजिए। चाहे जो हो जाए, हम कभी जुदा नहीं होंगे। तो चलिए आप कुछ खा लीजिए, ये यहाँ की बहुत ही खास डिश है। मस्त है। मस्त है ना? मिस्टर सो, बस पहले आप खाना खा लीजिए, फिर हम इस शाम को और भी हसीन बना देंगे। ताला खोल दो। आप बाहर आ सकते हैं। नए कमिश्नर ने आपको रिहा करने के ऑर्डर दिए हैं। देश में तहलका मचा है, अब सब कुछ बदल चुका है। ऋषियों को वांटेड की लिस्ट में डाला है, अब वो देश छोड़ नहीं सकता। और इस केस में जो जो शामिल थे वो सब इस्तीफा देने वाले हैं। थैंक यू ऑफिसर। तो बढ़िया काम किया। तो मैं नहीं, अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ। थैंक यू ऑफिसर। गंगन पुलिस ड्रग इन्वेस्टिगेशन टीम, फॉरन ड्यूटी पर हाजिर हो जाओ। एक खास केस पर काम करना है। अप्पो, चलिए ना अंदर चलते हैं। अंदर नहीं जाने का? तुम्हारी माँ किसी और आदमी के साथ थी। मम्मा ने ऐसा यकीन नहीं होता। पता नहीं मुझे इस बात पर रोना क्यों आ रहा है, बुरा क्यों लग रहा है, जबकि तलाक हो चुका है। पापा, गलत फहमी हुई होगी, मैं मम्मा से पूछता हूँ। पापा, मेरी हालत मामा जैसी हो गई है। बस करो ना पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मामा, पता नहीं बेटा, अंदर से टूट चुका है तुम्हारा पापा। रोइए मत पापा, सब ठीक होगा। कौन है? मैं हूं। तुम ठीक तो हो ना? बहुत तकलीफ में लग रही हो। मैं ठीक तो नहीं हूं, पर तकलीफ में भी नहीं हूं। ठीक नहीं हो मतलब तकलीफ में हो? मुझसे छुपाओ मत। माफ करना, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, मुझे आराम की जरूरत है। ना यूं मूड ठीक करना मुझे अच्छे से आता है, तो मैं इस वक्त तो मुझ पर लाइन मारना बंद कर दो। हां घूम दो, खुद को रोमांटिक फिल्म का हीरो समझ रहे हो? जाओ यहां से। सुनो, तुम मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हो, मुझे सिर्फ एक्शन हीरो पसंद है, समझ गए? नायुंग सुनो, सब खत्म हो चुका है। जज हांग और प्रोसिक्यूटर मून दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। हम सबके खिलाफ सीटीए 4885 का केस बना है। नए कमिश्नर जनरल ई जोंग सिक ने वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करके हम सबके नाम का वारंट निकाला है। ये जनरल ई जोंग सिक इस वक्त कहां पर है? एक बॉल पेन दीजिए प्लीज, 0.5 का।
क्या हुआ? अब ठीक तो है ना सर? हाँ। मैं देख कर आता हूँ। जाओ देखो। कौन हो तुम? मेरी बहन वहां पर बिल्कुल ठीक है। वो कह रही है कि उसे अब किसी बात का डर नहीं। अच्छा हुआ। इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं हैं, बल्कि अच्छे लोग भी हैं, इसका यकीन हो गया है। मैंने 30 लाख के बारे में एक वीडियो डाउनलोड करके इसमें रखा है, इसे एडिट कर लेना। जी मैडम। मैं बाथरूम जाके आती हूँ। हाय, मैं लीव आजा। कांगनाम सुन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उस दिन के बाद हम मिले नहीं। मैं भी ठीक हूँ। हमें ऑफिशियली ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है, तो इस तहखाने में हमारी आखिरी रात होगी, है ना? काश कि हम हमेशा ऐसे ही ऑफिस में काम करते हैं। क्या किस्मत है। हाँ, लेकिन ये पक्का तिजोरी ही है ना? हाँ। फिर तो इसमें भर भर के पैसा रखा होगा। हाँ, हीरे जवाहरात भी होंगे। हाँ, ईशिक बहुत लकी है। भाई, तुम्हारी शादी होगी तो मुझे गोद ले लेना यार, अपने सगे माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कितना लालची इंसान है। वैसे इस घर में कोई भी नहीं है तो हम यहाँ तहखाने में क्यों छुपे हैं? इतने सारे कमरों में हम कहीं भी सो सकते हैं, चलो ना किसी अच्छे कमरे में सोते हैं। उसने हमें यहाँ छुपके रहने के लिए कहा है ना? हाँ, तो इस घर में कोई भी नहीं है, कहीं और जाकर छुपते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, बाहर चलकर कुछ खा भी लेते हैं। चलो चलो, उठ जाओ, चलो जल्दी करो। क्या कर रहे हो? कुछ खा के वापस आ जाएंगे। चलो उठो उठो, चलो। ये किमची है। हाँ जल्दी करो। ओ स्वीटी, क्या हुआ स्वीटी? क्या हम उस दिन वाला वो प्रोग्राम आगे बढ़ाएं? हाँ चलेगा, पूरा देखते हैं। स्वीटी, आपको खाने की खुशबू आ रही है? आ तो रही है, सच में टेस्टी खाने की खुशबू है। चल के बना ले क्या? अभी खाना है। मेरी डाइट का क्या? आपको डाइट की क्या जरूरत है? मैं बहुत भारी हूँ मिस्टर सो। आप तो रूई से भी हल्के हैं जुंगान जी। मजाक छोड़िए, आप अपनी एनर्जी यहाँ क्यों जाया कर रहे हैं? स्वीटी, मुझे शर्म आ रही है। इस घर की सारी औरतें बिल्कुल ही अलग ही हैं। हाँ,
संभल कर रहना है ऋषिक। अरे यार, इससे पहले हमें कोई देख ले, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। चलो बाहर निकलते हैं आराम से। चलो सालगे सालगे, सब कुछ वो ऐसे ही रख दो। हाँ बोलिए। क्या कमिश्नर सर को मार दिया? मैं मर चुकी हूँ। ऋषियों ने मेरा खून कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हारी असलियत छुपा कर रखी। ऋषियों, आखिर मेरी असलियत तुम्हें पता चल गई। अब तुम्हारी बारी है। ऋषियों, मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि बुराई का अंत कैसे होता है। बहुत अरसे बाद मिली हो आंगुंजू। लेकिन ड्रग्स का कारोबार करने वालों से हाथ मिलाकर तुमने अच्छा नहीं किया। रेड सॉन्ग कहाँ पर है? अब चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं आम जिंदगी नहीं जी सकती। तो बाकियों का क्या होगा? तुम ऐसे मर नहीं सकती, मुझसे वादा करो। अपने मंगोलियन माँ बाप से अब भी प्यार करती हूँ। चाहते क्या हो तुम? तुम्हारा आखिरी इम्तिहान लेना चाहता हूँ। नामसुन अभी कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। मेरी नामसुन को बचा लो। मेरे बच्चों को बचा लो, फिर मैं दुनिया छोड़ दूंगी।